इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम खूनी गांव। इस गांव का क्या नाम है? खूनी। इस गांव का क्या नाम है? खूनी। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम खूनी है। हेलो फ्रेंड्स, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से गांव आई हूँ। तो ये गांव है खूनी गांव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, खासकर कि वो लोग जो इस गांव के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आप देखिए कि इस गांव की लोकेशन कितनी बढ़िया है। वैसे भी आजकल हर जगह इतनी हरियाली हो रखी है कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। भाई लेकिन सच्ची में हम पिछली बार आए थे, पहाड़ ऐसे घटिया लग रहे थे, और इस बार देखिए। हमने इस वक्त घर आने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि इस वक्त हर जगह बहुत हरियाली होती है। देखिए मेरे चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितने सारे खेत हैं। और जैसे अभी यही देख लीजिए, मैं अभी मक्के के खेत में खड़ी हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हैं। ये देखिए अभी जिस पेड़ के पास मैं खड़ी हूँ वो मेल का पेड़ है। और ये देखिए ये है मेल का फल। अभी तो ये पका नहीं है, और जब ये पक जाता है तब इसका कलर ब्लैक हो जाता है और ये काफी मीठे होते हैं। ओके, मैं थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई। बात तो हो रही थी खूनी गांव की, लेकिन मैं आपको कुछ और ही दिखाने लगी। लेकिन क्या करे, गांव तक जाने का रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैंने सोचा बाकी चीजें भी दिखा दूं। और अब बात खूनी गांव की। इस गांव की लोकेशन और ब्यूटी कैप्चर करने मैं पहाड़ के टॉप पर आई ताकि खूनी का टॉप एंगल व्यू दिख सके। खूनी गांव और उसके आसपास के गांव का सीनरिक व्यू दिखाने के लिए मैं नौलाकोट मंदिर आई। नौलाकोट मंदिर इसीलिए क्योंकि ये पहाड़ की एकदम टॉप पर है और यहाँ से कई सारे गांव के शानदार व्यू दिखते हैं। मुझे मालूम था कि आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि किसी गांव का नाम खूनी कैसे हो सकता है, और आप कहेंगे कि मैंने ये स्टोरी अपने मन से बनाई है। इसीलिए सबूत के तौर पर मैंने गांव वालों से ही दो सवाल पूछे। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम खूनी गांव। खूनी गांव सर। खूनी गांव नाम क्यों पड़ा, मतलब ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? खूनी गांव नाम आप पता है ना, पहले बैठे खूनी को नाम। इस गांव का क्या नाम है? खूनी। खूनी गांव थोड़ा अजीब सा नाम है, तो आपको पता है ये कैसे पड़ा? पता तो मेरे को भी नहीं है, अजीब सा नाम पड़ते है। इस गांव का क्या नाम है? खूनी। और ये कैसे पड़ा आपको पता है? जी इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि खूनी गांव कैसे पड़ा। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम खूनी है। आपको पता है ये नाम क्यों पड़ा? नहीं है मुझे पता, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम खूनी नाम सुन रहे हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों को भी पता नहीं होगा कि इस गांव का नाम खूनी क्यों पड़ा। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि इस गांव का नाम खूनी ही है। ये जिम का बोर्ड भी देख लीजिए, खूनी गांव ही लिखा है। अब आपको इस नाम के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। दरअसल हुआ ये कि जब भारत गुलाम था तब कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर हमला किया और इस गांव में आकर शरण ली। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यहां आई, जिसमें अफसर तो अंग्रेज थे लेकिन बाकी सिपाही इंडियंस ही थे। पुलिस की टीम क्रांतिकारियों को पकड़ने आई, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। आखिर दो दिन डेरा डालने के बाद जब पुलिस टीम वापस जाने लगी तो अंग्रेज अफसर ने कहा, यू ब्लडी मर्डरर्स। इसी बीच पुलिस टीम में शामिल कुछ इंडियन सिपाहियों ने कहा कि साहब, इस गांव वालों ने खूनियों को शरण दी है, इसीलिए इनका नाम खूनी रख दो। अंग्रेजों के लिए तो स्वतंत्रता सेनानी खूनी ही हुए, इसीलिए क्रांतिकारियों को शरण देने का बदला लेने के लिए उन्होंने इस गांव का नाम खूनी रख दिया। तो दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को इस गांव का नाम अजीब लग रहा है, उसी तरह यहाँ के लोगों को भी इस गांव का नाम स्ट्रेंज लगता है। इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि वो इस गांव का नाम खूनी गांव के बजाय देवी गांव करा ले, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई। गांव के लोगों का कहना है कि वो अभी भी कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे अजीब नाम वाले गाँव हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।